गाइस, और देखो गाइस खूबसूरत नज़ारे यार, क्या ही लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम लोग सात अजू के घूमने, और अभी हो रहा है टाइम, इवनिंग टाइम हो रहा है, करीब 5 बज रहे हैं। तो चलते हैं, सभी रेडी हैं और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, उधर रेडी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उसको थोड़ा अजीब बनाती है, जो जो देखते हैं दिखाएगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं उनसे। नहीं, ईस्टर्न है गाइस। अभी आ चुके हैं बाहर और चलते हैं। जैसे कि पहले मतलब पीछे भी देख सकते हैं, हमारा डेली का रूटीन है इसी रास्ते से गुजरना होता है। और इधर है ये तीन चुईतियाँ, सबसे बड़ा चुईतिया इधर है, मिडिल वाला उससे भी बड़ा, इधर वाला तो वो ठीक ठाक है। और अपने आप को बहुत मतलब क्या पॉलिटिशियन समझता है वो। तो चलिए मिलते हैं चुके स्टेशन पे। और क्या मतलब शाम का मौसम है और मौसम बहुत ही अच्छा। इधर देखिए काफ़ी सारे बाग जो देखने को हमें नहीं मिलते ऊपर। तो चलिए आजकल मतलब दिन कैसा होता है, दिखाते हैं, मिलाते हैं, फूल वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं। और बाकी की शाम, आज की शाम इवनिंग टाइम बहुत ही खूबसूरती रही स्वचलित। अरे अरे वाह, और इधर जा रहे हैं ये लोग। ओए थमो, इधर देखो तुम्हारा हम ले रहे हैं, खोलो उसका ले रहे हैं भाई। हाँ बस बस बहुत है भाई, से एकदम मतलब बहुत ही संस्कारी लौंडा है। और जो भी है चलते हैं आगे। सभी आ चुके थे मार्केट में और इधर आए हैं, और आगे चलते हैं, ऑटो करते हैं, इधर नाम है और घूमते हैं। आप लोगों को भी फूल वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं, तो चलिए आगे और मिलते हैं। सर और ये सर हमारी हेल्प की हैं जो अभी बताएं हमको एड्रेस जहाँ जाना है। तो चलिए थैंक यू सो मच सर, चलते हैं। धन्यवाद। सभी हम बैठ चुके थे ई रिक्शे में और चल रहे हैं, 100 रुपये में हमने फाइनल किया। वही रहे दो चुनकी इधर, और इधर रहे हम संस्कारी 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 बंदा है और संस्कारी भी है। और चलते हैं, मेरा रूम का लोकेशन ऐसे फूल वगैरह फूल नहीं है गाइस। ये रहा हमारा पुराना आसियाना लोधा, धर्मशाला। यहाँ 4 दिन तक हम लोग रुके। देखो गाइस खूबसूरत नजारे यार, क्या ही लग रहा है। यार देखो क्या ही होटल है। ओयो किसी का फोटो मत खींच। पुराने जमाने के सवारी जो अभी भी यहाँ है देखने को मिल जाएगा। इधर बहुत ही अच्छा लोकेशन और देख सकते हो झील, देख रहे हो नौका मतलब हमारे यहाँ से अन्ना सागर झील। यहाँ इसके अन्ना सागर हमारे यहाँ जैसे नौका बिहार है, गोरखपुर में पड़ता है। और बहुत अच्छा लगा गाइस इधर। ये देखो गाइस ऊंट, ऊंट गाइस। हेलो राजस्थान, हेलो हेलो। ये है राजस्थान जो कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। इधर रहा पहाड़ और इवनिंग टाइम में बहुत ही खूब है यार, अपने हिसाब से चलती होगी अपने हिसाब से। और इधर पहाड़ अपने सेम नौका बिहार जैसा आगा इसे क्या कहते हैं बोटिंग वगैरह करने के लिए उपलब्ध है सब। फिलहाल हम तो हैं ई रिक्शा में यहीं से, क्योंकि देख कर लग रहा है सब। और घूमने लायक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, खास करके यूनी टाइम में। ये है पहाड़ों पर का घर, ये रहे पीछे यहाँ का सूरत है। और ये क्या चीज़ है, ये होटल लग रहा है, ये होटल पापड़ी थाड़ी किधर रहता है यानी और क्या है। हम पहुंच चुके थे 7 अजूबे मतलब अभी गेट पे हैं, और चलते हैं अंदर देखते हैं कि क्या है उधर। और इधर कुछ रहा ऐसा लोकेशन, इधर पता नहीं क्या है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लाइटिंग की वजह से नहीं आ रहा। और इधर बढ़िया सा पीछे बिल्डिंग है,
चलिए घूमते हैं सारा चीज़ें जो है जहाँ तक कवर कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो जो कवर कर पाएंगे करेंगे। और इधर अपने जो चूंकि हैं पड़े हुए हैं, इधर पेमेंट कर रहे हैं, रिक्शा से आए हैं, 100 रुपये लगा लगे। ये रहा गेट और सेवन वंडर्स का, देख सकते हो पोस्टर वगैरह लगा इधर आ रहे हैं। चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, देखते हैं क्या प्राइस है, कितने देर की फीस। कोई गाइस ज़्यादा है नहीं, 10-10 लगा दे रहा है बंदा। चलिए चलते हैं। और गाइस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार, इधर देख रहे हो क्या नज़ारा है गाइस। और बहुत ही अच्छा ना, ये रहा मेन में। और इधर से गाइस से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, क्या मतलब जितनी तारीफें करें कम है। और इधर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो चलिए निकालते हैं, फ़ोटो वगैरह कैप्चर करेंगे जो मतलब जो भी है। और इधर बहुत ही पॉपुलेशन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है शाम के टाइम में, बहुत ही खूबसूरत। गाइस इधर का ये लोकेशन ना, हमने पिक्चर वगैरह जो क्लिक करना था कर लिया, और अभी चलते हैं क्या मतलब फैमिली लेके घूमने में आने में यहाँ बहुत ही सुकून है, खास करके मैं सिनेमैटिक सीन दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। वो राज जी का मूर्ति है, और ये रहा ताजमहल है ना, ताजमहल का छोटा सा साइज इधर। और बाकी चीज़ें मैं दिखा ही चुका हूँ, जैसा कि पिछले मतलब देख ही चुके हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कैसा है। बहुत ही इवनिंग टाइम में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, कि मतलब इधर का हम फोटो थोड़ा क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन से उतना रात में आ नहीं रहा था, तो भैया हमारा फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और इसका हो रहा है और मेरा भी हो रहा है, तो मैं अपना शूट नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी इस तरीके का है फ़ोटो वगैरह, देखते हैं इस भाई के साथ मिलते हैं। और अभी मैं बीच में डालूँगा जो मेरा क्लिक हुआ है साथ ही, देखते हैं बहुत ही अच्छा फ़ोटो आ रहा है। पीछे रात ताजमहल, और हमें मतलब सात जगह हैं, और कुछ जगह हमने फ़ोटो क्लिक करा लिया, अब बारी बारी से फ़ोटो क्लिक कराते हैं। आज सात अजूबे हैं, जो सात ही चीज़ें हैं, इसलिए इसका नाम सात अजूबा शायद बड़ा है। तो चलिए फ़ोटो वगैरह सारा क्लिक करा चुके हैं, हमारा लास्ट क्लिक इस ताजमहल के साथ लगभग हो ही गया है। भाई गाइस मतलब हमारा जो पिक है मैं डालूंगा, ये भैया ने हमारा क्लिक किया फोटो, और ब्लॉग के बीच में मैं डालूंगा। चलिए बहुत ही अच्छा फोटो है, थैंक यू भैया, चलिए मिलते हैं। और हमको रहा ताजमहल, पहला अजूबा है, और दूसरा अजूबा है, तीसरा अजूबा है, चौथा रहा गाइस है, और पांचवा ए, और छठा ए, और सातवा एरा। ये थे सात अजूबे, इस वजह से इसका नाम सातों अजूबा पड़ा। और आई होप ब्लॉग आज का बहुत अच्छा, और चलते हैं जिन वगैरह अगर घूमते हैं, और घूमते हैं तो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चलिए आगे भी निकलते हैं यहाँ से, चलिए चलते हैं बाहर। और यहाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया, ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं शूट कर पाया, क्योंकि मतलब फ़ोटो खिंचाने की वजह से ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो चलिए अभी चलते हैं झील वगैरह, इधर पार्क है, देखते हैं झील वगैरह क्या हो, फिर कभी इधर आएंगे जरूर, क्योंकि छुट्टी अपने को संडे को ही मिलती है। हम पहुँच चुके थे, और एक कौन सा पार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, आना सागर झील। और इधर एंट्री कर रहे हैं, देखते हैं, और इधर देख ही सकते हो लोकेशन काफ़ी अच्छा। अरे बस भी करो तुम, मतलब पूरी वीडियो में इंट्रो ही देता फिरता है। और लोकेशन यार बहुत ही अच्छा, ये अपने नौका बिहार जैसा एकदम है इस लोकेशन पे। और इधर का रहा कुछ ऐसा लोकेशन, कैमरा मेरा कोई खास है नहीं, लोकेशन मतलब रियल में देखने पे बहुत ही अच्छा दिख रहा, और इस कैमरे से थोड़ा डाउन हो जा रहा है क्वालिटी, बस कोई ना, देखते हैं, बहुत ही अच्छा रहा लोकेशन। और अभी हम लोग काफ़ी दूर है, लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब चल चुके हैं, चलिए आगे चलते रहते हैं, और मिलते हैं थोड़ी छोटी सी ब्रेक के।
तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रूम मतलब रूम के करीब ही आ गए स्टेशन पे। तो आई होप कि आज का यह ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।